राजस्थान विश्वविद्यालय यानी विश्वविद्यालय कम विवाद विद्यालय ज्यादा। और अब इस विश्वविद्यालय में आजादी से पहले के बेशकीमती रिकॉर्ड का हाल बेहाल होता हुआ नजर आ रहा है। पेश है राजस्थान विश्वविद्यालय में रिकॉर्ड को संजो कर रखने वाले दांव की पोल खोलती हमारी यह खास रिपोर्ट। यह नजारा है राजस्थान विश्वविद्यालय के सरदार पटेल भवन का, जहां के लिए कहा जाता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की अनुमति के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। लेकिन जब हमारी टीम पुराने रिकॉर्ड्स का हाल देखने यहां पहुंची, तो सरकार के पुराने रिकॉर्ड्स को डिजिटल करने के दावों की भी हवा निकलती नजर आ गई। यहां रखे पुराने रिकॉर्ड रद्दी के बंडलों में तब्दील हो रहे हैं। जब हमने इन बंडलों की पड़ताल शुरू की तो भवन का अनुपस्थित स्टाफ भी भागता दौड़ता हुआ हमारे पास पहुंचा और आकर हमें धमकाना शुरू कर दिया। आपको परमिशन किसने दी है? आपको परमिशन किसने दी है? आपने ये रिकॉर्ड देखो कैसे कचरा? आपने परमिशन किस खुले में कहा है? खुले में कहा है? कमरे में? इस सहायक कर्मचारी की जुबान सुनकर तो आप ही समझ गए कि आखिर कर्मचारी अपनी और अपने सहयोगी स्टाफ की लापरवाही पर किस तरह पर्दा डालने का प्रयास कर रहे थे। इतना ही नहीं, कर्मचारियों ने एक बार तो टीम को रिकॉर्ड रूम में ही बंद कर दिया। लेकिन हमारी टीम सामाजिक सरोकार निभाते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही की पड़ताल करती रही। टीम ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार केएम गुप्ता से इस बारे में सवाल किए तो वो बड़े बड़े दावे करते दिखे। विश्वविद्यालय का रिकॉर्ड चाहे पुराना हो चाहे नया हो, महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है और इसको हम रद्दी कभी नहीं मान सकते। जिस रूप में ये रखा हुआ है, जो स्पेस अवेलेबल है, जो व्यवस्था है, उसमें विश्वविद्यालय सर्वोत्तम प्रयास करता है कि नया पुराना सारा रिकॉर्ड सुव्यवस्थित रहे। लेकिन विश्वविद्यालय रिकॉर्ड के लिए अभी स्पेस की थोड़ी कमी है। विश्वविद्यालय प्रशासन प्रयासरत है कि ओल्ड रिकॉर्ड के लिए एक अच्छी व्यवस्था डेवलप की जाए, स्पेस निर्धारित किया जाए और जो भी महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है उसको अब सुनियोजित तरीके से बनाए गए रिकॉर्ड रूम में रखें। पुराने रिकॉर्ड को संजो कर रखने के नाम पर भले ही सरकार कई दावे कर रही हो, लेकिन चंद लापरवाह अधिकारी और कर्मचारियों की वजह से सरकारी योजनाओं का हाल बेहाल हो रहा है। यहां तक कि डिजिटल होने वाला प्राचीन रिकॉर्ड भी रद्दी में तब्दील हो गया है। फर्स्ट इंडिया के लिए हेमंत कुमार शर्मा की रिपोर्ट।